जीतेश जी के साथ में हमने एक फ़िल्म किया हुआ है ब्रिजवा, और उसमें अजय जी असिस्टेंट थे। तो हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही थी और हमेशा हम चाहते थे कि साथ में एक अच्छा काम हो, बड़ा काम हो। और ब्रिजवा ऑलरेडी एक सुपरहिट फिल्म रही थी, तो हमने प्रूव कर दिया है कि टीम स्ट्रांग है। और ये फिल्म मेरी कमबैक मूवी भी है। जो एक्साइटमेंट मैं अपनी पहली फिल्म में फ़ील कर रहा था, भोजपुरिया भैया से मेरी लॉन्चिंग हुई थी, और वही एक्साइटमेंट मैं आज फील कर रहा हूँ। बिकॉज़ मेरा थोड़ा गैप हो गया है। हिंदी फिल्म मैं कर रहा था, वी फॉर विक्टर, इसको लेकर गैप हो गया भोजपुरी में। तो लॉन्चिंग मैं चाहता था कि एक प्रॉपर तरीके से हो, जिस रूप में मुझे ऑडियंस देखना चाहती है वैसा मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं। तो जीतेश दुबे जी का जो बैनर है, उससे अच्छा बैनर हो नहीं सकता था। बिकॉज़ वे एक अच्छे प्रेजेंटर हैं, शोमैन हैं, वो जानते हैं कि भोजपुरी की ऑडियंस को क्या पसंद आता है, वैसा ही वो कैटर करते हैं। तो आज उन्होंने जो ये पूरी टीम बनाई है, भोजपुरी के सभी अच्छे एक्टर्स को लेकर उन्होंने जो खड़ा किया है, इसको लेकर सभी लोग एक्साइटेड हैं। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि ये फ़िल्म वही जादू करेगी जो ब्रिजवा की थी। ब्रिजवा सुपरहिट थी और ये फिल्म भी सुपरहिट होगी, ऐसी हम सबकी उम्मीद है। मल्टी स्टार फिल्म में रानी जी हैं, बाकी जी हैं, गुंजन जी हैं, साथ में विनय आनंद जी और अरुण जी। ये मल्टी स्टार फिल्म में काम करने का कैसा अनुभव रहा है, कभी अगर किया है, और क्या कहते हैं जितने कलाकार हैं उनके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली टीम अच्छी होती है तो सब अच्छा हो जाता है। ये टीम वर्क होता है और यहाँ पर हम सब जब मिल रहे हैं तो एक अच्छा माहौल, एक पिकनिक का माहौल लग रहा है। और यही माहौल बना रहेगा, सब लोग आनंद भी लेंगे शूटिंग का, काम भी अच्छा होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा। और ऐसे माहौल में काम करना बहुत अच्छा लगता है जब पूरी टीम अच्छी हो। राजनीति के रुझान है आपका, आपने हाल ही में पार्टी ज्वाइन की, क्या कहना चाहेंगे राजनीति को लेकर? जी, मैं NCP ज्वाइन किया हूँ, NCP का महासचिव हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इतनी अच्छी पार्टी, इतनी जो सब वर्गों को साथ में लेकर चलती है। तो आज तो ये माहौल नहीं है कि हम राजनीति के बारे में बात करें, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बिहारी को, एक भोजपुरी के ऑडियंस को जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, एक भोजपुरी का हीरो हूँ, तो उसको अगर मुंबई जैसे जगह में इतना बड़ा स्थान एक NCP जैसी पार्टी देती है तो ये भोजपुरी के लिए गर्व की बात है। और मैं भोजपुरी के लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाऊँ, इसके लिए मैं ये पार्टी ज्वाइन किया हूँ, जो कि मैं कर भी पा रहा हूँ। अभी वैक्सीनेशन की बात थी तो मैं काफ़ी लोगों को हेल्प किया, फिर काफ़ी तरीके से मैं लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ इस पार्टी के द्वारा, क्योंकि ये पार्टी सबको साथ में लेकर चलती है। इसके लिए मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया और जो मेरा लक्ष्य था कि अपने भोजपुरी के लोगों को भी मदद कर सकूँ, वो मैं कर पा रहा हूँ। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कोई स्क्रिप्ट है इंटरेस्टिंग, इसके बारे में बताना चाहेंगे? जी, अब मैं हिंदी फिल्म करने के बाद अब मैं सिलेक्टेड मूवीज़ ही करूँगा, क्योंकि भोजपुरी में काफ़ी फिल्में किया हूँ, 40 फिल्में किया हूँ। और जब मैं हिंदी किया था तो इसलिए किया था कि भोजपुरी का जो वही पैटर्न की फिल्में जो बन रही थी, जिसमें आइटम सॉन्ग हो, ठाकुर हो, वो सब करके मैं बोर हो गया था। तो अब जो ऐसी फिल्में हैं जो अलग हटकर हैं और जो मतलब मैं अपने परिवार के साथ देख सकता हूं, और जिसके ऊपर मैं मतलब भोजपुरी का एक गौरवान्वित महसूस कर सकता हूँ, वैसी फिल्में करूँगा। जो ये पहली फिल्म है, आप ये झांक देखिए कि इसमें कहीं भी आपको वो भोजपुरी का जो पैटर्न होता है, कोई ठाकुर, कोई बंदूक, कोई गोली बारूद, ऐसा नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ऐसी फिल्में भोजपुरी के दायरे को बढ़ाएंगी और ऐसी फिल्में बननी चाहिए। ऐसी फिल्मों का मैं हिस्सा बनना चाहूँगा और मुझे गर्व है कि आज मेरी जो कमबैक है वो ऐसी फिल्म से हो रही है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.